नमस्कार, स्वागत है आपका जे जे एन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं जमरानी बांध पे। मैं बता दूं, जो जमरानी बांध है वो अभी शुरू नहीं हुआ है, वो एक प्रस्तावित बांध है। इस बांध की वजह से जो हल्द्वानी क्षेत्र के जो लोग हैं उन लोगों की प्यास बुझाई जाएगी। इसके साथ ही बल्कि और भी भाबड़ क्षेत्र, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की सिंचाई को भी यहीं से पानी जाएगा, जिससे जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी एक मदद रहेगी। अब मैं इसके बारे में बता दूं कि 3 साल पहले इस जमरानी बांध का जो बजट था वो 355 करोड़ था, लेकिन 1.5 साल था वो 460 करोड़ पहुंचा। लेकिन जो कुछ बजट थे उनकी वजह से, उन जो कुछ वजहें थी जिनकी वजह से जो बजट था वो बढ़ चुका था, लेकिन अब 460 से भी जो बजट है वो अब 705 करोड़ पहुँच चुका है। कारण ये बताया जा रहा है कि इसके लिए सिंगल पाइपलाइन नहीं बिछाई जाएगी, बल्कि सिंगल की जगह डबल पाइपलाइन बिछाई जाएगी, क्योंकि जो सिंगल है, जो सिंगल पाइपलाइन रहेगी वो क्या पता बारिश की वजह से या फिर कुछ अन्य कारणों की वजह से क्षतिग्रस्त हो जाए, तो इसलिए डबल पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिसके लिए जो सिंगल की जगह जो दूसरी वाली है वो काम आ जाए। इसके साथ ही बता दूँ, जो बजट है वो अभी रुड़की भेजा जाएगा, जिसके बाद जब वो जो प्रस्ताव है उसको स्वीकृति मिल जाएगी, उसके बाद ये सब शासन को सौंपा जाएगा, जिसके बाद से ये जो कार्य है वो सब शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही मैं बता दूं, जो हल्द्वानी वहाँ पे पाइपलाइनें बिछाई जाएंगी, साथ ही ओवरहेड जो टैंक है वो बिछाए जाएंगे, जिसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो शुरू से शुरू किया जाएगा, जिसकी वजह से बजट में काफ़ी इंक्रीमेंट आएगा, जिसके लिए बजट काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है। इसके अलावा जो निर्माणदायी संस्था है उनके ऊपर जिम्मा था, जो कि ये था कि 5 साल तक जमरानी बांध की मरम्मत या फिर कोई जब कुछ जो कोई भी पाइपलाइन है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसकी भी मरम्मत की जाएगी, जिसके लिए जो बजट है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया था। यही कारण है जिससे कि जो बजट है वो 355 करोड़ से पहले 460 हुआ और अब 705 करोड़ हो चुका है। इसके अलावा ADB की जो भी कई जो मांग जल संस्थान के साथ अनुबंधित था, जिसकी वजह से जो ये बजट है वो बढ़ा हुआ है। तो ये थी हमारी रिपोर्ट, मैं वैशाली शर्मा अपने सहयोगी समयराज शाह के साथ जे जे एन न्यूज़। नमस्कार।